बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय हॉस्टल में पथराव हुआ है। दबंगों ने देर रात हॉस्टल में हमला किया, छात्रों पर छाया दहशत का माहौल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो पथराव से हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे टूटे। विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, किस तरह से दबंगों के द्वारा ये पथराव किया गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जिसके बाद इस पथराव के बाद छात्रों में दहशत का माहौल है। तो विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इस दौरान खिड़की और दरवाजे के शीशे किस तरह टूटे हैं, तो विश्वविद्यालय हॉस्टल में ये पथराव, दबंगों ने देर रात हॉस्टल पर हमला कर दिया। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल पा रही है? आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस हॉस्टल पर पथराव किया? अभी तक जानकारी हुई है कुछ युवक थे जो बाहर मिलते हैं पढ़ने लिए थे, उनका किसी से झगड़ा हुआ था, उसके बाद अभी तक जानकारी है उन्होंने पथराव किया। हालांकि जो कैपेसिटी है वो जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद जो वीडियो है, वीडियो जो लोग दिख रहे हैं उनको चिन्हित किया, चिन्हित करने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ छात्र जो हॉस्टल के हैं, दूसरे को हॉस्टल के हैं, उन पर भी आरोप लग रहा है कि उन लोगों ने जो पथराव किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पुलिस तैनात कर दी, क्योंकि काफी लंबे समय देखा जा रहा है कि हॉस्टल जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहाँ शांति का माहौल था, लेकिन इस तरीके के अराजक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं। इसको लेकर के जो लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी हो बक्सा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई भी कॉलेज का छात्र होगा तो उसको बाहर का रास्ता कॉलेज से दिखाया जाएगा। जी अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, हम वीडियो भी दिखाते हैं किस तरह से ये हमला किया गया दबंगों के द्वारा। हॉस्टल पर ये पथराव किया गया, और देखिए मुंह को किस तरह से ढक के, ताकि उनकी पहचान ना हो सके कि ये कौन थे, और इनके द्वारा पत्थरों से हमला किया गया हॉस्टल पर, जहां खिड़कियां और दरवाजों के शीशे टूटे हैं। हालांकि अभी देखिए इस हॉस्टल में पुलिस की तैनाती हो गई है और लगातार तलाश की जा रही है इन लोगों की। माना जा रहा है कि दूसरे हॉस्टल के छात्र भी हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपसी तनातनी का नतीजा हो सकता है, और इसीलिए ये हमले किए गए। हालांकि आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, देर रात का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, किस तरह से ये दबंग हैं, ये छात्र हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मुंह पर कपड़ा बांधकर, चेहरे को ढककर ये पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए किस तरह से ये जो दबंग है, या आप बता रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपसी कुछ तनातनी की वजह से दूसरे हॉस्टल के छात्र ये हमला कर सकते हैं, तो देखिए मुंह ढक के किस तरह से हमला किया गया, ताकि पहचान ना हो सके इनकी। कहने का संस्कृत मामला है, क्योंकि अभी हम देखा था इस तरह के छात्र आदमी होती है, छात्र होते हैं, अगर उनके बीच मनमुटाव होता है तो इसी तरह को झगड़ा बड़ा हो जाता है जी। इसको लेकर के बाकायदा पुलिस तैनात कर दी गई वहाँ पर है, मौके पर जो फैकल्टी इंचार्ज है वो जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया है। एक समित जांच समिति बनाई गई, जांच कर रहे की आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया है, उनकी पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद अगर वो हॉस्टल से होंगे तो हॉस्टल से बाहर किए जाएंगे, साथ ही साथ अगर कहीं और के होंगे तो FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अश्विनी इसके साथ ही साथ क्या अभी तक पुलिस के द्वारा कोई पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये दबंग कौन थे? अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? बिल्कुल, देर रात का मामला था, पुलिस लगातार इस पर लेकर के तैयारी कर रही है, जांच के बाद मामला है, इसको भी पुलिस ध्यान रखेंगे। जो भी जिम्मेदार इस घटना के होंगे उनको कहीं ना कहीं चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। और देखिए किस तरह से विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जहां पर पथराव की ये घटना सामने आई है देर रात, दबंगों के द्वारा ये हमला किया गया।